आप भी देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे सामने देखिए, मैंने एक वेबसाइट ओपन की है जिसको आप बड़े अच्छे से जानते हैं, बिग बास्केट। यहाँ पे जो पोटैटो चिप्स हैं उनकी प्राइस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 400 रुपये पर केजी में आपको मिल रहे हैं। और यही चिप्स मैं आपको दिखाता हूँ आज आप कितने कम पैसे में बना सकते हो। दोस्तों, इसकी जो लागत है वो मात्र 40 रुपये तक आती है लगभग। ये कभी ऊपर या नीचे हो सकता है क्योंकि आलू की अलग अलग मंडियों में अलग अलग प्राइस रहती है। अगर आप सीजन पर परचेज करते हैं, बाई करते हैं, तो आपको सस्ता मिलता है, 10 रुपये 5 रुपये किलो में भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप ऑफ सीजन में खरीदते हैं तो यही आलू आपको 20-25 या 30 रुपये किलो में भी मिलता है। लेकिन जब भी आप बिजनेस करते हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप सीजन में इसको लेके आप कोल्ड स्टोर में स्टॉक करवा दीजिए, जितना भी आपको लगता है कि आपके यहाँ बिजनेस में खपत हो जाएगा, डिमांड में लग जाएगा। तो अभी मैं बता रहा था इसकी लागत की बात, तो 40 रुपये किलो तक की इसकी लागत आती है। और जब ये इसको सेल करते हैं तो 400 रुपये पर केजी में इसको सेल किया जाता है मार्केट में, वो भी होल सेल में। अगर हम रिटेल की बात करें तो वहाँ पर इसके प्राइस 1000 रुपये पर केजी तक चले जाते हैं। ये अलग अलग कंपनियों की ब्रांडिंग के आधार पर डिपेंड करता है। उन्होंने काफ़ी टाइम दिया है मार्केट में अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इसलिए प्राइस भी उन्होंने काफ़ी हाई रखा हुआ है। अगर आप नया बिजनेस शुरू करते हैं तो आप उनके मुकाबले हाफ प्राइस पे भी अगर इसको सेल करते हैं तो भी आपको लॉस नहीं होगा, आप तब भी फायदे में रहेंगे। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप इन्हीं आलूओं से घर बैठे ही आप पोटैटो चिप्स या फिर पोटैटो स्टिक बना सकते हैं। कुछ मशीन दिखाएंगे, ऐसी छोटी मशीन जो कि आपके बजट में बड़ी इजीली फिट हो जाएगी, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीन लगाना हर एक के बजट में नहीं हो पाता, हर एक इंसान नहीं लगा पाता है। तो कुछ इस तरह की छोटी मशीनें होने वाली हैं हमारी आज के वीडियो के लिए। तो डिटेल से बताएंगे कि किस तरह से आप इन मशीन की सहायता से पोटैटो चिप्स या फिर पोटैटो स्टिक बना सकते हैं। सबसे पहले हम आलू ले लेंगे जो कि आपको मार्केट में इजीली कहीं भी मिल जाते हैं। वैसे तो इनका प्राइस अलग अलग होता है, जब आपको काम करना रहता है तो आपको ये आलू होलसेल में लेने हैं। अगर आप रिटेल में लेने जाओगे तो यही आलू आपको 25 से 30 रुपये पर केजी में मिलते हैं। लेकिन जब आपको बिजनेस करना होता है तो आपको मंडी से इनको होलसेल में लेके आना है, वहाँ पर आपको ये 10 से 15 रुपये मिल जाते हैं। और अप्रैल में जब नई फसल आती है तो उसके बाद ये आलू आपको और भी कम कीमत में मिल जाते हैं। अभी इन आलूओं का हम क्या बनाने वाले हैं वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमारे ऐसी मशीन की ज़रूरत होती है जो आप यहाँ देख रहे हो, इसके अंदर हमने एमरी लगाया हुआ है जिससे कि इनका जो छिलका है वो निकल जाता है, पील हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये इसके अंदर रोटेट होता रहता है पूरी तरीके से, और इसमें थोड़ा आलू और पानी को मिक्स करके डाला जाता है, तो इससे कम टाइम के अंदर ही ये छिलके निकल जाते हैं और आलू पूरा फ्रेश साफ हो जाता है। अगर यही प्रोसेस आप हाथ से करने जाएंगे तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आलू भी उतना प्रॉपर नहीं छिल पाएंगे। अभी देखिए, हमने आलू इसके अंदर डाल दिए हैं और थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पानी, इसमें आलू पूरा साफ़ हो जाएगा। और इधर से जो आप यहाँ देख रहे हैं, इधर इसका वेस्टेज निकलता है, जो छिलका है वो दूसरे बर्तन में हम ले लेते हैं उधर से। और जब हमारा ये पूरा रेडी हो जाता है तो हम मशीन को बंद कर देते हैं। अभी मशीन हमने बंद कर दी है दोस्तों, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली आलू पील हो गया है, छिलका इसका निकल गया है। आप किसी भी पीस को उठा के देख लीजिए, सारे के सारे प्रॉपर शेप में। अगर इतने ही आलू अगर आप हाथ से करने के लिए जाते तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता और प्रॉपर ये छिल भी नहीं पाते। जब हमारे आलू छिल जाते हैं तो हमें इसी मशीन से इसे हैंडल को निकाल करके इन और मशीन को थोड़ी देर के लिए चला देते हैं तो ये सारे के सारे आलू हमारे बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों, आलू देखिए मशीन से हमने बाहर निकाल लिए हैं, पूरा प्रॉपर छिल गए हैं आलू। अब इनको हम साइड में लेके आएंगे और हमारे पास एक मशीन और है अभी, जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसमें हमें ये मशीन की ज़रूरत रहती है। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें एक छोटा सा होपर लगाया गया है, इस होपर के थ्रू आप इसमें आलू डालते रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसको बिजली से कनेक्ट कर लेते हैं, इस मशीन को ऑन कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे हम इसी मशीन से जो 400 रुपये केजी में मिलने वाली चीज़ है उसको बड़े इजीली बना लेते हैं। तो वही सब हम आपको दिखाने वाले हैं। वैसे तो ये मशीन में हम अभी आपको आलू के जो चिप्स होते हैं वो बना के दिखा रहे हैं, लेकिन इसी मशीन से आप अलग अलग कई सारी चीज़ें बना सकते हो। पोटैटो चिप्स के अलावा आप पोटैटो स्टिक भी बना सकते हो और आप इनकी जो मोटाई है अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। दोस्तों, जो ये मशीन आप देख रहे हैं इसमें हम अलग अलग डाई चेंज करके अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। डाई जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, कुछ इस तरह की हल्की डाइयाँ होती हैं, हालांकि ये स्टील की काफ़ी मजबूत डाइयाँ हैं और आप इनको लंबे टाइम तक यूज़ कर पाएंगे, ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। इनमें जो ब्लेड दिए गए हैं वो भी काफ़ी शार्प हैं, आप इनको अपने यहाँ से देख सकते हैं, वैसे आप वीडियो में अगर नज़र आ रहा हो तो। लेकिन जब भी आप मशीन लेने आएंगे तो आप इनकी क्वालिटी वगैरह भी यहाँ चेक कर सकते हैं, A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको यहाँ मिलते हैं। तो इस मशीन के अंदर हमें अलग अलग डाइयाँ चेंज करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाने होते हैं। तो अभी हमने एक डाई इस मशीन के अंदर लगा ली है, तो उसमें हम अब आलू डालते हैं इस हॉपर के थ्रू। एक एक करके हम आलू डालते जाएंगे, जितने भी हमारे आलू होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे चिप्स निकल रहे हैं, बनकर रेडी हो रहे हैं। अगर आप हाथ से करने जाओगे तो इनका जो शेप है ना और साइज़ है वो सेम नहीं रहेगा हाथ से करने पर। बहुत से लोग हाथ से भी करते हैं, मैंने गाँव में भी अक्सर देखा है,
लेडीज लोग हाथ से भी पोटैटो चिप्स बना लेते हैं, लेकिन उसका जो शेप होता है ना वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, और दूसरी बात तो वो अनहाइजेनिक भी होता है, और जब हम मार्केट में सेल करना है तो हमें प्रॉपर शेप में देना है। उसकी जो मोटाई होती है पोटैटो चिप्स की, वो सभी पीस की एक जैसी होनी चाहिए, वो मोटाई आप मशीन से ही प्रॉपर निकाल सकते हैं। तो देखिए कितने कम टाइम के अंदर हमने इतने सारे आलूओं का चिप्स बना लिया है दोस्तों, काफ़ी प्रॉपर। ये अभी हमने बनाया जिगजैग शेप के अंदर, अगर आप चाहें तो इसको प्लेन में भी बना सकते हैं, उसमें आपको सिर्फ डाई चेंज करनी है, और इसी तरह डाई चेंज करके आप यहाँ से इसके अंदर से आप पोटैटो स्टिक जो कि आप मार्केट में देखते हैं बड़ी इजीली कहीं भी मिलती है, लोग सेल करते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाते हैं, तो आप डाई चेंज करके इसी मशीन से आप पोटैटो स्टिक भी निकाल सकते हैं। अभी ये हमारा प्रोडक्ट रेडी नहीं हुआ है, इसके लिए अभी हमें इसको बॉयल करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे सारे जब आलूओं का चिप्स बन जाता है तो इनको हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद हमें एक कढ़ाई लेना होता है, या फिर आप चाहें तो इलेक्ट्रिक कढ़ाई भी यहाँ से ले सकते हैं, उसमें हम इस आलू को थोड़ी देर के लिए पानी डाल के बॉयल करेंगे। जब हल्का सा बॉयल हो जाता है, ये बॉयल होने के बाद फिर इनको पानी से अलग कर लिया जाता है, पानी से अलग करने के बाद फिर इनको धूप में थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है सूखने में, अगर सर्दियाँ हैं तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन गर्मियों में 1 से 2 घंटे के अंदर आलू पूरा सूख जाता है। सूखने के बाद अब हम इनको फ्राई करना रहता है, आप चाहें तो इसको फ्राई करने के लिए आप इलेक्ट्रिक फ्रायर ले सकते हैं, उसकी विशेषता ये है कि वो ऑटोमेटिक होता है, उसमें ना तो जो टेम्परेचर आपने ऑयल का रखा है ना वो कभी ज़्यादा होगा ना कभी कम होगा, जो टेम्परेचर आप उसके अंदर सेट करेंगे वो उसी टेम्परेचर पे आपके पोटैटो को पूरा चिप्स को पूरा फ्राई करता रहेगा। और अगर आप हाथ से करते हैं तो आग जलाते हो मैनुअली तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी आग तो काफ़ी तेज़ हो जाती है और कभी कभी बहुत स्लो, तो उसमें कभी कम और कभी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्रायर का आपको यही फ़ायदा है कि कम टाइम के अंदर एक जैसे आप चिप्स उसके अंदर फ्राई कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था इलेक्ट्रिक फ्रायर वो कुछ इस तरह का होता है देखने में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आप इस इलेक्ट्रिक कढ़ाई के अंदर या फिर इलेक्ट्रिक फ्रायर के अंदर अपना आलू फ्राई कर सकते हैं। और जब आलू फ्राई हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ लोग मार्केट में साल्टेड बेचते हैं, यानी कि उसके अंदर सिर्फ नमक लगाते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगाते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसमें अलग अलग वैरायटियां बनाते हैं, जैसे कि मसाला चिप्स और जीरा चिप्स, साल्टेड, और भी अलग अलग तरह के फ्लेवर होते हैं, जो आपको अगर नहीं पता है कि हमें कौन सा फ्लेवर यूज़ करना चाहिए और कौन सा फ्लेवर हम कैसे बनाएंगे और जो पोटैटो चिप्स होते हैं उनको हमें कितना बॉयल करना है, तो वो सारी रेसिपी के लिए आप ये जो नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा है आप उस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको पूरी डिटेल से बता दिया जाएगा कि कैसे आप पोटैटो चिप्स फ्राई करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अभी इसके बाद भी हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, इसमें कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पोटैटो चिप्स हमारा रेडी हुआ है उसको सीधा का सीधा बोरियों में भर के मंडी में बेच देते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आपको इनको पैकेट के अंदर भरना चाहिए, वो पैकेट आपके 100 ग्राम 200 ग्राम, यहाँ तक कि आजकल मार्केट में आपने देखा होगा कि 5-5, 10-10 ग्राम के पैकेट भी बिक रहे हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ग्राम की पैकेट में इसको बेचना चाह रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा मार्जिन चाहिए तो आप छोटी पैकेट में बेच सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी से माल बेचना है और प्रॉफिट अपना कम रखना है तो आप बड़ी पैकिंग की तरफ जा सकते हैं, उसमें आप 100, 200, 500 ग्राम या फिर 1 किलो की पैकिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी ये तो आपने देख लिया पूरा तरीका कि कैसे हम पोटैटो चिप्स या फिर पोटैटो स्टिक बना सकते हैं, अभी हम आपको बताते हैं कि इन जो मशीन है इनका प्रोडक्शन पर घंटे का कितना रहता है, कितने आलू का चिप्स आप इसमें बना सकते हो, कीमत इसकी कितनी होने वाली है, वो सारी चीज़ों को जानने के लिए हम आपको मिलाते हैं इस कंपनी के ओनर से। सर अभी जो मशीन हमने अपने व्यूअर को दिखाई है तो ये कितना प्रोडक्शन कर देती है? 200 से 250 किलो वेफर बना के दे देती है सर। अच्छा, 1 घंटे के अंदर जी। तो हमने अभी दिखाया वो कितने मशीनों का सेट है सर? 2 ही मशीन का सेट है। 2 मशीन का सेट है जी, एक है सिर्फ आलू छीलने वाली और एक है आलू को काटने वाली। तो इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रिक जो ड्रायर है उसका क्या प्राइस रखा है आपने? इसके बाद सर क्या होता है, इसको फ्राई करना रहता है, तो इलेक्ट्रिक जो फ्रायर है वो भी कम रेट से स्टार्ट होती है। अच्छा, ठीक है, 20,000-25,000 से स्टार्ट होती है। और जो ये मशीन हमारी आलू चिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल की गई है इनकी क्या कीमत है सर? ये तो सर पूरा बहुत कम कॉस्ट में, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो 50,000-60,000 के लाख रुपए के अंदर मतलब पूरा सेटअप आ जाएगा, कढ़ाई और ये मशीन वगैरह सब कुछ। तो आपकी डिलीवरी कहाँ कहाँ चली जाती है सर? सर हमारी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया में जाती है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी है।
कोई भी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, कोई भी कंट्री में। सर अगर कोई मशीन ऑर्डर करना चाह रहा है तो तरीका क्या रहेगा? सर हमारा स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, उस पर हमको कॉन्टैक्ट करिए, हम उसका एड्रेस हमको दीजिए, हम उसके एड्रेस पर पहुँचा देंगे। सर इसके अलावा और कौन कौन सी मशीनें बनाते हैं सर? सर फूड की सारी टाइप की मशीन बनाते हैं, पानीपुरी, खाखरा, रोटली, समोसा, चाट पूरी, सब कुछ बनाते हैं सर। अगर कोई यहाँ आना चाहता है, विजिट करना चाहता है तो आपका एड्रेस क्या रहेगा? हमारा एड्रेस है अहमदाबाद, गुजरात, और हम खुद मशीनें मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद बनाते हैं, तो आपको एकदम अच्छी सर्विस और अच्छी क्वालिटी यहाँ से मिलने वाली है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आप भी बड़े इजीली इस बिजनेस को शुरू करके काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। तो अगर आप इस मशीन को खरीदना चाहते हैं या फिर कुछ और जानना चाहते हैं इस बिजनेस के बारे में, तो नंबर हमने वीडियो की स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप जब भी नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक शानदार वीडियो देखने को मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।